नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओटीटी उद्योग क्या होता है। इसे इंग्लिश में ओटीटी इंडस्ट्री कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं ओटीटी क्या होता है। ये शब्द आप आसपास जरूर सुनते होंगे या जरूर सुना होगा आज के समय में। देखिए, ओटीटी का पूरा नाम ओवर द टॉप होता है, ओवर द टॉप। अब हम समझते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो अन्य प्लेटफॉर्म की मदद से आपके लिए मोबाइल पर ही बहुत तरह की फिल्में, वेब सीरीज और रियलिटी शो इत्यादि उपलब्ध करवाता है। तो अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, उनसे क्या किया जाता है, उनसे ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत तरह की फिल्में, वेब सीरीज ले लेता है, रियलिटी शो ले लेता है और अपने ही क्या करता है, अपने ही प्लेटफॉर्म पर उसे उपलब्ध कराता है और इसे आप मोबाइल की सहायता से देख सकते हैं। यही ओटीटी होता है, ओवर द टॉप होता है। यह शब्द पारंपरिक प्रसारण केबल या सैटेलाइट टीवी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न करते हुए दर्शकों को सीधे इंटरनेट पर सामग्री वितरण करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो ये जो होता है, जैसे आपने देखा होगा पहले समय में केबल लगते थे, ठीक है, या फिर प्रसारण होता था, ठीक है, उसका यूज ही नहीं करता है। ये सीधा इंटरनेट के माध्यम से आपको बहुत सारी फिल्म्स हो गया, वेब सीरीज या रियलिटी शोज को उपलब्ध करा देता है आपके मोबाइल पर ही। अब हम देखते हैं ओटीटी उद्योग क्या होता है। तो ये उद्योग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत नौकरियां ये जनरेट करता है। ओटीटी बाज़ार उस उद्योग को संदर्भित करता है जो इंटरनेट के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को स्ट्रीमिंग मीडिया सेवाएं, फिल्में, टीवी शो, संगीत और अन्य सामग्री प्रदान करता है। तो ओटीटी एक ऐसा उद्योग है जहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप कह सकते हैं बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, फिल्मों से संबंधित, टीवी शो से संबंधित, संगीत से संबंधित, ठीक है। और साथ ही साथ जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, इसमें बड़ा स्कोप होता है इस क्षेत्र में, ठीक है। एडिटिंग वगैरह जो सीखते हैं इसमें बहुत स्कोप होता है, बहुत सारी नौकरियां इसमें रहती हैं। ये उद्योग मनोरंजन सेवाएं देने के साथ ही बहुत सारी नौकरियां भी प्रदान करता है। तो ये एंटरटेनमेंट तो प्रोवाइड करता ही है, साथ साथ बहुत सारी नौकरियां भी प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर आपने सुना होगा नेटफ्लिक्स का नाम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का आपने सुना होगा नाम, अमेजन प्राइम है ना, अमेजोन का ही एक प्लेटफॉर्म है अमेजन प्राइम, और इसी तरह जियो टीवी भी एक होता है। हमने सोचा भाई जियो का भी नाम ले लिया जाए, जियो टीवी भी एक इस समय आज के समय में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म हैं यही ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं। अब इसके कुछ गुण दोष देख लेते हैं। सबसे पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म के दोष देखते हैं। पुअर नेटवर्क कैन इम्पैक्ट योर व्यूइंग, यानी अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं और आपका नेटवर्क बहुत ख़राब है तो आप अच्छे से नहीं देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट होता है वो मतलब हर महीने या तीन महीने, छः महीने, साल भर कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा होता है वो। कंटेंट एडिक्शन प्राइवेसी इश्यूज, तो कंटेंट एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और साथ ही साथ प्राइवेसी इश्यूज भी रहती है, भैया आपका डेटा जो होता है वो थर्ड पार्टी यूज़ कर लेती है ना, ये चीज़ होता है। जो लैक ऑफ कंटेंट रेगुलेशन, इसमें जो है सेंसरशिप वाला प्रोग्राम, मतलब वो जो होता है ना सेंसरशिप होती नहीं, तो ना जाने क्या अनाप शनाप भी चीज़ें आप देखते होंगे, गाली गलौज भी होता रहता है इसमें, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल मीडिया, और तो ये सही बात है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया, जो केबल वगैरह है ना, D2H वगैरह चलता था, आपको ध्यान होगा, वो सब बंद हो गया इसकी वजह से आज के समय में, या ना के बराबर रह गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के कुछ लाभ भी हैं, जैसे ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें आपके मोबाइल पर तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं। डेटा करवाइए, मोबाइल खरीदिए, डेटा करवाइए, उसके बाद आप ओटीटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड करके उसमें ले लीजिए और तुरंत आप यूज़ कर सकते हैं। अगला है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो कॉस्ट, एक सब्सक्रिप्शन कॉस्ट एक दोष है, दूसरा इफेक्टिवनेस भी है, क्योंकि इतना ज़्यादा महीना भी नहीं, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। हर महीने, हर तीन महीने का लगभग हमें लग रहा है 149-199 से शुरू होता है, आसानी से कोई भी पेमेंट कर लेता है और उसको देख लेता है। ऑल थिंग्स एट वन प्लेस, तो हर चीज़ आपको एक ही जगह उपलब्ध हो जाती है। मनोरंजन ले लो, हॉरर मूवीज़ ले लो, रियलिटी शोज़ ले लो, वेब सीरीज ले लो, अन्य और भी चीज़ें, ये आपको तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं एक ही प्लेस पर, तो इससे आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ता है। इसके अलावा और भी फायदे या नुकसान हो सकते हैं। तो ये था ओटीटी उद्योग। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।